हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा ग्लोइंग नेचुरल मेकअप लुक। अगर आपको मतलब मेकअप जैसा ऐसा भी नहीं चाहिए कि आपने मेकअप किया हो और आपका स्किन ग्लो भी करे, तो उस टाइप का मेकअप बताने वाली हूँ आपको। बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से आपको ये मेकअप बता रही हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो आप अगर कहीं जा रहे हो रेडी हो के, लेकिन आपको मेकअप जैसा लुक नहीं दिखना चाहिए, लगे कि बिल्कुल नेचुरल है, कुछ भी आपने नहीं लगाया है और आपका स्किन एकदम सॉफ्ट स्मूथ एंड ग्लोइंग दिखे, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली अपना जो मॉइस्चराइजर आप यूज करते हो वो मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। तो मैंने लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर लगाया है, तो ये मैंने लगा लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद से आपको सिंपली अपना हाईलाइटर ब्लश यूज करना है एंड कॉम्पैक्ट पाउडर। दैट्स इट, आपका मेकअप कंप्लीट है। कुछ भी नहीं यूज करना है इसके बाद से, और लाइनर मेकअप लगा के फाउंडेशन, कंसीलर, कलर करेक्टर, ये सब कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये है मेरा ब्लश। अगर आप मेरे चैनल पे बहुत पहले से हो तो आप देखते होंगे कि मैं ये वाला ब्लश काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज कर रही हूँ। तो सिंपली मैंने कुछ नहीं लगाया, ओनली बस मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है एंड इसको लगा रही हूँ ब्लश को बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि डे का टाइम है, बहुत ज़्यादा ब्लश अच्छा नहीं लगेगा। ओके, थोड़ा सा नोज पे अप्लाई करेंगे नेचुरल लुक के लिए और थोड़ा सा छोड़ दीजिए। तो इतना करने के बाद से काफ़ी प्यारा सा लुक आ जाता है फेस पे ब्लश लगाने के बाद। अब आपको लेना हाइलाइटर। हाइलाइटर से क्या होता है, जैसे आपके कहीं पे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा डार्कनेस है तो वो हाइड कर देता है और आपकी स्किन में एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है। यहाँ से मैं इस तरीके से हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ। मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल बस ये ब्लश और हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। ये वाला ट्रिक आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सा आईज के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि मेरी डार्क सर्कल हाइड हो जाएंगी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। नोज़ पे, बॉडी पे, ऊपर लिप पे एंड फॉरहेड पे, आईज के ऊपर, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल नेचुरल लुक से बहुत खूबसूरत सा लुक आ गया है। मेरे फेस में अच्छी सी साइन आ गई है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ लगाया है, सिंपल लग रहा है कि बस मॉइस्चराइजर लगाया है एंड मेकअप मेरा ऑलमोस्ट डन है। अब आपको लिपस्टिक, आईलाइनर, आईब्रो पेंसिल करना है और मेकअप को डन कर लेना है। तो मैं आईब्रो फिल करने के लिए जेल आईलाइनर यूज करती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी नेचुरल लुक देता है। ये वाला ब्रश यूज करना होता है आईब्रो फिल करने के लिए, ज़्यादा सा क्वांटिटी में लेना है। आईब्रो फिल करने के लिए आपको खास बातों का ध्यान रखना होता है। नीचे से तो आप एक अपने शेप के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ कर लोगे, ओके, और थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे, सेंटर से आपको आउटर कॉर्नर तक प्रोडक्ट को यूज करना है, लेकिन आपको फ्रंट में बहुत ज़्यादा ये नहीं यूज करना, जो आपके बैक में है आईब्रो फिल करने के लिए जेल आईलाइनर, उसी को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करते हुए फ्रंट की तरफ ले आएंगे। इस तरीके से अगर आप आईब्रो फिल करते हो तो आपके आईब्रो का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल आता है। तो ये देखिए, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप पहले नाप लीजिए कि बराबर आ रहा है या नहीं, तो इस तरीके से करना है, ओके। तो अगर नेचुरल लुक के लिए ये मेकअप आप करोगे, एक बार ट्राई ज़रूर करना, उसके बाद से मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये, मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ तो यही अप्लाई करती हूँ। फाउंडेशन, कंसीलर वगैरह से काफ़ी दूर रहती हूँ और बहुत कम क्वांटिटी में यूज करती हूँ। जिसके स्किन पे थोड़ा डार्क स्पॉट्स वगैरह है वो हल्का सा फाउंडेशन अप्लाई करके ये सारे प्रोसेस यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा मेरे यहाँ पे फेस पे काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक दाग सा है, बट आप जितना ही दाग को हाइड करने के लिए जितना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज करोगे उतना ही ज़्यादा आपका मेकअप केकी हो जाएगा और गर्मियों के टाइम में फट भी सकता है। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। अगर लंबा टूर वगैरह है, लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो बहुत सारा मेकअप प्रोडक्ट आप अगर अपने फेस पे लगाओगे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा और वो मेकअप थोड़ी देर में
निकलने भी लग जाता है कितना भी वाटरप्रूफ मेकअप हो, लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा पसीने गर्मी वगैरह का सामना करते हो तो थोड़ा बहुत तो उसमें अंतर आ ही जाता है। अगर काम वाम करना है, घर में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम वगैरह है और आपको ही सारा कुछ संभालना है, तो आप इस तरीके से मेकअप कीजिएगा तो आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो इस तरीके से आईब्रो को फिल करना है जिससे कि आपका आईब्रो एकदम नेचुरल, सॉरी बिल्कुल नेचुरल दिखेगा। ओके, अब आपको क्या करना है, अपना लिपस्टिक अप्लाई करना है, काजल अप्लाई करना है। मैं काजल यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, लैक्मे आइकॉनिक काजल। काफ़ी लॉन्ग टाइम से भी यूज़ कर रही हूँ मैं, पहले लैक्मे का काजल अच्छा नहीं आता था बट अभी काफ़ी अच्छा आता है। तो काजल मैं कुछ इस तरीके से अप्लाई करती हूँ, मुझे पतली लाइन बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं सॉरी। और जैसे हमने मेकअप किया है इस तरीके से कुछ फैल जाए तो आप उसको पोंछते हो तो आपके साथ साथ मेकअप भी निकल जाता है। लेकिन ये जो आज मैंने जो ट्रिक बताया है नेचुरल मेकअप के लिए, इसको आप कितना भी पोंछ वगैरह लो वैसे का वैसे रहता है। इस तरीके से मैं काजल अप्लाई करती हूँ। जो हमारी लो वाटर लाइन होती है उसके थोड़ा सा बाहर तक काजल आना चाहिए जिससे कि आपका लुक जो होता है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। अंदर तो लगाना ही लगाना है लेकिन बाहर भी थोड़ा सा काजल रहना चाहिए कुछ इस तरीके से, और अपर में भी इस तरीके से काजल को लगाना है। अब काजल तो लगा लिया लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा काजल जो होता है वो फैल जाता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बहुत सारी ट्रिक है लेकिन मैं बहुत इजी वे में बता रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मेकअप बता रही हूँ तो आपको भी इजी वे में ही बताऊँगी जिससे कि आपका काजल जो है वो नहीं फैलेगा। आपको लेना है अपना फेवरेट लाइनर, मैं लाइनर भी लैक्मे 925 का लेती हूँ जो कि मुझे काफ़ी पसंद है और ये बिल्कुल भी फैलता नहीं है, कितना भी पानी आ जाए कुछ भी हो जाए अपना लाइनर अपनी जगह से टच से मस्त नहीं होगा। तो आपको काजल को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए और आपके चेहरे पे बिल्कुल भी फैले नहीं, आपका मेकअप ख़राब नहीं करे, तो उसके लिए आपको लेना है लाइनर और काजल के जस्ट नीचे इस तरीके से अप्लाई कर देना। अब आपका काजल बिल्कुल भी नहीं फैलेगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक टिका रहेगा और इससे काजल का लुक भी जो होता है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। इस तरीके से आपको लाइनर से काजल को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है। अपर में भी लाइनर अगर लगाना है तो आप लगा सकते हो, मेरा ये वाला लाइनर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है चौड़ा तो मैं इस तरीके से इसको साफ कर ले रही हूँ। अपर में लाइनर लगाने के लिए इस तरीके से विंग्स बनाना है, तो इसको यहाँ पे मिला देना है। इस तरीके से ये क्या हो रहा है, तो ये आँख के अंदर मेरा लाइनर चला गया है। तो मेकअप करते टाइम आपके साथ भी ये हो सकता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपना मेकअप कंप्लीट करना है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए जैसे अभी मेरे साथ हुआ है तो आपको क्या करना है, सिंपली टॉवल या फिर कॉटन लेना है, कॉर्नर लेना है, यहाँ पे इस तरीके से रखना है। जितना भी आपके आँखों के अंदर गया होगा वो आपके टॉवल में या फिर कॉटन में आ जाएगा।
तो इस तरीके से इजीली साफ भी हो गया। अब आपके फेस पे अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हाइलाइटर है तो आपको क्या करना है, बहुत इजी ट्रिक बताती हूँ। बहुत ज़्यादा अगर हाइलाइटर लग रहा है, पहले आईज में लाइनर नहीं लगा था फ्रंट में, तो मैं लगा ले रही हूँ। पूरे मेकअप पे इस तरीके से लगा देंगे। और ये काजल भी आपका इस तरीके से करने से लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और ऐसे मेकअप के साथ आप कोई न्यूड शेड का लिपस्टिक ही लीजिएगा। अरे यार माइक ऑफ हो रखा है, कुछ काफ़ी प्यारा शेड है ये, मुझे 120 का मिला था, मैंने इसको दुकान से परचेज किया, बट ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा अगर सही होगा तो। और अगर आपको अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा रखना है तो आप थोड़ा सा मेकअप फिक्स कर लोगे तो फिर से इस तरीके से ला देना है एंड इसको सूखने देना है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आप इस तरीके से मेकअप करके कहीं भी बाहर जा सकते हो, बड़े बड़े झुमके इयर रिंग्स वगैरह डाल लीजिए और अपने मेकअप को कंप्लीट कीजिए। कैसा लगा आज का टिप, इजी सिंपल मेकअप, नेचुरल मेकअप लुक? वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिए। और भी इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स जानने हैं आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी ज़्यादा अच्छे से और बहुत ही बारीकी से और भी चीज़ें लेकर आऊँ आपको पार्लर से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।